हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HPSC PGT इंग्लिश एग्जाम 2023 के लिए इंडियन राइटर निसिम एजकिल के MCQs करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो है मुल्क राज आनंद के MCQs किए थे, तो इंडियन राइटर निसिम एजकिल आपके सिलेबस में है, तो HPSC PGT इंग्लिश की जो है पोस्ट निकली हुई है उसके लिए आपको जो है आज हम निसिम एजकिल से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं HPSC PGT इंग्लिश एग्जाम के लिए इंडियन राइटर निसिम एजकिल के MCQ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, निसिम एजकिल वॉज बॉर्न इन ए 1924, बी 1925, सी 1926 और डी 1927। तो निसिम एजकिल का जन्म हुआ था 1924 में। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है उसका होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। सेकंड पर चलते हैं, एजकिल्स फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया जनरेशंस एगो। फ्रॉम जो एजकिल का परिवार था वो इंडिया में माइग्रेट हो गया जनरेशंस अगो, पीढ़ियों पहले। फ्रॉम कहाँ से माइग्रेट हुआ था, ए ईरान, बी सीरिया, सी इजराइल और डी लेबनन। राइट आंसर इज इजराइल, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ थर्ड वन, एजकिल स्पेंट हिज लाइफ इन हाईली वेस्टर्नाइज सर्कल्स इन द कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मुंबई। एजकिल ने जो अपना जीवन है वो हाईली वेस्टर्नाइज्ड सर्कल्स में, कौन सी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जो है बिताया, वो बिताया मुंबई में। ऑप्शन बी इज राइट। नाउ विच लैंग्वेज डज एजकिल कंसिडर एज हिज लॉस्ट मदर टंग, ए सिंधी, बी गुजराती, सी मराठी और डी हिब्रू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मराठी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लैंग्वेज डज एजकिल कंसिडर एज हिज सेकेंड मदर टंग, ए इंग्लिश, बी सिंधी, सी मराठी और डी हिंदी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लिश। नाउ क्वेश्चन 6, एजकिल वर्क्ड इन ए फैक्ट्री एज ए, ऑप्शन ए लेबरर, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी अकाउंटेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैनेजर। नाउ 7th one, एजकिल इज करंटली वर्किंग एज ए प्रोफेसर इन इंग्लिश इन डैश यूनिवर्सिटी, ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी दिल्ली और डी ऑक्सफोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन ए मुंबई। नाउ 8th one, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एजकिल इज, एजकिल का पहला साहित्यिक कृत्य या साहित्यिक कार्य कौन सा है, ए मॉर्निंग वॉक, बी ए टाइम टू चेंज, सी हाइम्स इन डार्कनेस, डी द एग्जैक्ट नेम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ए टाइम टू चेंज। तो फर्स्ट लिटरेरी वर्क है एजकिल का वो है ए टाइम टू चेंज। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 6 पर, क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 है, एजकिल 60 पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन, ए 1952, बी 1954, सी 1957 और डी 1959। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1957। एजकिल का जो 60 पोएम्स का जो वॉल्यूम है वो प्रकाशित हुआ था 1957 में, 1957 में। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 10, द अनसेल्फिश मैन इज ए वर्क ऑफ, ए आर के नारायणा, बी निसिम एजकिल,
श्री रविंद्रनाथ टैगोर और डी टोरुदत्त। तो जो द अनसेल्फिश मैन है वो वर्क है निसिम एजकिल का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। नेम द फेमस पोएम ऑफ निसिम एजकिल डिस्क्राइबिंग द सेल्फलेस लव ऑफ ए मदर फॉर हर चिल्ड्रन। निसिम एजकिल की उस प्रसिद्ध कविता का नाम बताओ जो एक माँ के अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ भाव को, निस्वार्थ प्यार को व्यक्त करती है या उसका वर्णन करती है। यानी एक मदर का सेल्फलेस लव अपने चिल्ड्रन के लिए जो पोएम बताती है निसिम एजकिल की, वो कौन सी प्रसिद्ध कविता है? ऑप्शन ए टाइम टू चेंज, ऑप्शन बी मेमो फॉर वेंचर, ऑप्शन सी ए मॉर्निंग वॉक और ऑप्शन डी नाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन। तो ये फेमस पोएम है नाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन रिटन बाय निसिम एजकिल विच डिस्क्राइब्स द सेल्फलेस लव ऑफ ए मदर फॉर हर चिल्ड्रन। नाउ 12th क्वेश्चन। डैश इज रिनाउंड एज ए पोएट इन एग्जाइल फ्रॉम हिमसेल्फ। ऑप्शन ए के रामानुजन, ऑप्शन बी निसिम एजकिल, ऑप्शन सी बादल सरकार, ऑप्शन डी कमला दास। राइट आंसर इज ऑप्शन बी निसिम एजकिल। निसिम एजकिल इज रिनाउंड एज ए पोएट इन एग्जाइल फ्रॉम हिमसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज ए पोएम विद डीप सिग्निफिकेंस बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंडियन इथोज एंड इट्स व्यू ऑफ ईविल एंड सफरिंग। डैश एक ऐसी कविता है जिसका गहरा महत्व है यह समझाने का प्रयास करने के लिए इंडियन इथोज, भारतीय इथोज और उसका विचार बुराई और पीड़ा के लिए। तो ए नाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन, बी द अनफिनिश्ड मैन, सी द एग्जैक्ट नेम और डी ए मॉर्निंग वॉक। तो ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जिसका हमने भी जिक्र किया था 11th क्वेश्चन में, जो एक मदर के सेल्फलेस लव को दिखाती है चिल्ड्रन के लिए। इसमें इंडियन इथोज और ईविल और सफरिंग का विचार भी है। तो ऑप्शन ए नाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन। अब है 14th क्वेश्चन। द अनफिनिश्ड मैन इज ए वर्क ऑफ ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी शिव के कुमार, ऑप्शन सी निसिम एजकिल, ऑप्शन डी कमला मार्कंडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निसिम एजकिल। नाउ 15th वन। आइम्स इन डार्कनेस इज ए वर्क ऑफ, आइम्स इन डार्कनेस किसका वर्क है? ए भागिनी भट्टाचार्य, बी निसिम एजकिल, सी नैन तारा सहगल, डी आतिया हुसैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निसिम एजकिल। आइम्स इन डार्कनेस जो है वो निसिम एजकिल का ही वर्क है। क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय निसिम एजकिल। निम्नलिखित में से कौन सी कविता जो है वो निसिम एजकिल के द्वारा लिखी गई है? ए हीट एंड डस्ट, बी द गोल्डन हनीकॉम, सी अर्बन एंटरप्राइज और डी मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर है आपका अर्बन एंटरप्राइज। अर्बन एंटरप्राइज इज रिटन बाय निसिम एजकिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ निसिम एजकिल। निम्नलिखित में से कौन सा निसिम एजकिल का वर्क नहीं है? ए द एग्जैक्ट नेम, बी ए बैंड इन द गंगस, सी हाइम्स इन डार्कनेस, डी मेमो फॉर ए वेंचर। तो इसमें जो है आपका ए बैंड इन द गंगस इज नॉट द वर्क ऑफ निसिम एजकिल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है ए बैंड इन द गंगस। नाउ 18th क्वेश्चन। द एग्जैक्ट नेम इज ए वर्क ऑफ ए सलमान रुश्दी, बी राजा राव, सी खुशवंत सिंह और डी निसिम एजकिल। तो द एग्जैक्ट नेम जो है वो वर्क है निसिम एजकिल का। इसे निसिम एजकिल के द्वारा लिखा गया है। द एग्जैक्ट नेम किसका वर्क है? निसिम एजकिल का। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारे निसिम एजकिल से संबंधित जो है क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। इंडियन राइटर में
निसिम आजकल का भी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमने इससे पिछले वीडियो में किया था मुल्क राज आनंद को, इस वीडियो में किया है निसिम आजकल को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंडियन राइटर को लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।